हाय फ्रेंड, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल, मुक्त कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण का हल। ओके, हम इसमें आइगन फंक्शन निकालेंगे, साई इक्वल एन साइन रूट टू एम ई एक्स अपॉन एच कट एक्स माइनस का एक्स नॉट। इस प्रकार से हम इसको प्रूव करेंगे, जहाँ जो n है वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, n इक्वल एन एक्स एन वाई इंटू एन जेड। जो x नॉट y नॉट और z नॉट ये आर्बिटरी कांस्टेंट हैं, अपने इच्छानुसार जो नीतांक हैं स्वैच्छिक नीतांक n x n y n z x नॉट y नॉट z नॉट, ये क्या है, आर्बिटरी कांस्टेंट है। ओके, हम एनर्जी के आइगन वैल्यूज भी प्रूव करेंगे, e इक्वल ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड इक्वल माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम के वन प्लस के टू प्लस के थ्री। वह जो ई एक्स ई वाई ई जेड हैं ये कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। फिर हम आइगन फंक्शन का जनरल फॉर्म भी प्रूव करेंगे, जो वेव फंक्शन होता है वो पोजीशन और टाइम का फंक्शन होता है। ओके, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, साई एक्स वाई जेड मतलब जो वेव फंक्शन है वो पोजीशन का फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल माइनस ई टी अपॉन एच क्रॉस। ओके, आप साई एक्स वाई जेड की वैल्यू आइगन फंक्शन से पुट कर देंगे तो इतना हमें सॉल्व करना है। ओके, हम इस डेरिवेशन को हल सॉल्व करने की आपको कुछ हिंट बताएंगे, आप उस हिंट के माध्यम से इस डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए हिंट, हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे और आपको जगह जगह पर हिंट भी देते जाएंगे आप डेरिवेशन को कैसे करें। ओके, तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल में नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। ओके, और नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स स्टडी के लिए मैंने डिस्कशन के लिए बना दिया है। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने डेरिवेशन की ओर। हमें फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। ओके, हम कंसीडर कर लेते हैं एक हमारा एम मास का कोई पार्टिकल है। ओके, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ एम मास और टोटल एनर्जी कैपिटल ई है एंड पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल बी। ओके, देन तब टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ओके, इतना होगा, थ्री डी में डेल स्क्वायर साई इक्वल टू एम अपॉन में एच कट स्क्वायर ई माइनस का भी साई इक्वल जीरो। ओके, हम ये किसके लिए कर रहे हैं, फ्री पार्टिकल के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे कोई फ्री पार्टिकल होगा, पार्टिकल कैसा है, फ्री पार्टिकल, हम फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो हमारा पार्टिकल कैसा है, फ्री पार्टिकल मुक्त कण है, तो मुक्त कण है तो उस पर फोर्स कोई काम नहीं करेगा। ओके, उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, जब कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो कैसी होगी, जीरो होगी। ओके, तो आप इसमें पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देन तब डेल स्क्वायर साई प्लस टू एम अपॉन में एच कट स्क्वायर और ई बी की वैल्यू जीरो रख देंगे, साई इक्वल जीरो, आप इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। ओके, आप इसको कार्टिजियन टर्म में लिख देंगे, कार्टिजियन कोऑर्डिनेट में, तो कितना आ जाएगा, डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स टू प्लस डेल टू साई अपॉन में डेल वाई टू प्लस डेल टू साई अपॉन में डेल जेड टू प्लस टू एम अपॉन में एच कट स्क्वायर ई साई इक्वल जीरो। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। हमें इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम इसे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अब हमें आइगन फंक्शन निकालना है, क्या निकालना है, आइगन फंक्शन, इसका सॉल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो बता रहा हूँ। जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, आंशिक अवकल समीकरण, किस टर्म में, एक्स वाई जेड के टर्म में है। ओके, तो
तो मतलब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड। तो हम इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इस प्रकार से सॉल्व करना है कि जी एक्स वाई जेड जो वेरिएबल हैं जी अलग अलग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। हम इसको अलग अलग सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। ओके, तो मैं आपको हिंट बताऊंगा, आप हिंट के माध्यम से किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप हिंट देखिएगा। ओके, तो आप जो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है कि आप फ्री पार्टिकल के लिए सबसे पहले तो आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखेंगे तो कितना होता है डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स टू प्लस डेल टू साई अपॉन में डेल वाई टू प्लस डेल टू। ओके, आप जो फ्री पार्टिकल के लिए क्या लिख लेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। फिर आप जब इसका आइगन फंक्शन निकालोगे, मैं आपको हिंट बता रहा हूँ, इससे आप डेरिवेशन आसानी से कर सकते हैं यदि आप माइंड में इस हिंट को सेटअप कर लेते हैं तो। ओके, सेकंड पार्ट में आप इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्स वाई जेड का जो फंक्शन है, ओके, आप इसको अलग अलग किस प्रकार से कर सकते हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों के पृथक्करण की विधि द्वारा। ओके, बाय मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल। ओके, तो हम लेट दी सॉल्यूशन ऑफ एबव इक्वेशन, हम इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन लेट कर लेंगे, जो वेव फंक्शन है एक्स वाई जेड का फंक्शन है, इसका सॉल्यूशन लेट कर लेंगे। जो कैपिटल एक्स इज द ओनली फंक्शन स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई इज द ओनली फंक्शन स्मॉल वाई, कैपिटल जेड इज द ओनली फंक्शन ऑफ जेड। ओके, एक्स केवल एक्स का फलन है, वाई वाई का फलन है, जेड जेड का फलन है। ओके, हमने इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन मान लिया, हम इसकी हेल्प से इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। वो तीन पार्ट क्या आएंगे, एक पार्ट बनेगा आपका एक्स के फॉर्म में डेल टू एक्स अपॉन में डेल एक्स टू प्लस टू एम एच कट स्क्वायर ई एक्स एक्स इक्वल जीरो। एक बनेगा आपका वाई के टर्म में डेल टू वाई अपॉन में डेल वाई टू प्लस टू एम एच कट स्क्वायर ई वाई कैपिटल वाई। ओके, ये आपका वाई। अब बनेगा एक जेड के फॉर्म में डेल टू जेड अपॉन में डेल जेड टू प्लस टू एम अपॉन में एच कट स्क्वायर ई वाई और कैपिटल वाई। ओके, इक्वल जीरो। आपका ये तीन इक्वेशन इस प्रकार से बनेंगे, आप किसी भी एक को सॉल्व कर लें इस तीन पार्ट में से। ओके, आप एक पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आप सिमिलरली इसी प्रकार से आप इसका नेस्का कर सकते हैं। फिलहाल आप, मैं बता रहा हूँ, आप किसी एक पार्ट को लेंगे। मेरा जो थर्ड स्टेप से हमने इस एक्स वाला जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको ले लिया डेल टू एक्स अपॉन में डेल एक्स टू प्लस टू एम अपॉन में एच कट स्क्वायर ई एक्स। ओके, आप जी इसको केवल अपने माइंड में सेटअप कीजिएगा हमें कि इस स्टेप के बाद ये करना है, तो आप आसानी से डेरिवेशन कर ले जाएंगे। ये आपका जो इक्वेशन है एस एच एम हार्मोनिक इक्वेशन की तरह है, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको इसका जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा एक्स कैपिटल एक्स इक्वल एन एक्स साइन रूट टू एम ई एक्स अपॉन में एच कट एक्स माइनस का एक्स नॉट। ओके, जो एन एक्स और एक्स नॉट है ये आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है स्वैच्छिक नीतांक। ओके, इसी प्रकार से आप इस जो हमारा सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं एन वाई सिमिलरली इसी प्रकार से। ओके, साइन टू एम ई वाई एच कट वाई माइनस का वाई नॉट। इसी प्रकार से आप जेड वाले का लिख सकते हैं तो एन जेड साइन टू एम ई जेड अपॉन में एच कट जेड माइनस का जेड नॉट। ओके, आपने जब तो आप फोर्थ जो टेप से आपने क्या निकाल लिया आइगन फंक्शन निकाल लिया। ओके, तो आइगन फंक्शन आपका कितना आ जाएगा, आपने एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड की वैल्यू निकाल ली, तो अब आप इसे किस कहाँ पुट कर देंगे, जो आपने सॉल्यूशन लेट किया था साई इक्वल कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई इंटू कैपिटल जेड, आप इसमें पुट कर देंगे तो आपका इक्वेशन
क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपका निकल क्या आ जाएगा, एन एक्स एन वाई एन जेड साइन 2mEx अपॉन में h कट x माइनस का x नॉट ओके साइन 2mEy अपॉन में h कट y माइनस का y नॉट ओके और साइन 2m ओके EZ अपॉन में h कट और z माइनस का z नॉट ओके जी हमारे क्या है, एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के इक्वल दे देंगे तो आपका आइगन फंक्शन निकल आएगा ओके। आप इसी प्रकार से जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया, आप इस प्रकार से डेरिवेशन करना है। आप इसे एग्जाम में नहीं लिखेंगे, ये तो मैंने आपको पर्सनली बता दिया, आप इस प्रकार से हिंट बनाएं, आप डेरिवेशन कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने डेरिवेशन की ओर ओके। तो हमें इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है ओके। तो इस हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अब सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें चरों की पृथक्करण की विधि अप्लाई करेंगे बाय मेथड ऑफ, आप दिमाग में वो मेरे आप टिप्स दिमाग में सेटअप कर लें माइंड में, तो आप उसी के हिंट के मद्देनजर रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे ओके। बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ओके, चरों की पृथक्करण की विधि द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, हमने समीकरण एक का सॉल्यूशन लेट कर लिया, जो वेव फंक्शन है एक्स वाई जेड का फंक्शन है ओके, जो हमने लेट कर लिया, इसे हमने इक्वेशन टू दे दिया ओके। हम इसकी हेल्प से अब सॉल्यूशन करेंगे, आप इसमें देख रहे हैं इस वेव फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में सेकेंड दो बार इसका अवकलन है, इसमें भी दो बार, तो हम इसको अब सॉल्व करने जा रहे हैं ओके। तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओके, हम इसका एक्स के रिस्पेक्ट में आगे डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो कितना होगा डेल साई बाई डेल एक्स ओके। इसमें केवल एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, वाई जेड का नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वाई जेड क्या है कांस्टेंट, क्योंकि वाई जेड एक्स का फंक्शन नहीं है, वाई सिर्फ वाई का फंक्शन है, जेड सिर्फ जेड का फंक्शन है, ये कांस्टेंट की तरह बिहेवियर करेंगे जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे ओके। डेल एक्स अपॉन डेल एक्स ओके, हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स टू इक्वल कैपिटल वाई कैपिटल जेड डेल टू एक्स अपॉन में डेल एक्स टू ओके। हमने डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू की वैल्यू निकाल ली, अब आप इसकी निकाल लेंगे, इसकी निकाल लेंगे, फिर इसमें पुट कर देंगे ओके। तो कितना आ जाएगा, हम डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाई ओके, वाई के रिस्पेक्ट में समीकरण एक का अवकलन करने पर, तो कितना आ जाएगा डेल साई अपॉन डेल वाई। अब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो x और z क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि x सिर्फ x का फंक्शन है, y सिर्फ y का फंक्शन है ओके। तो कैपिटल x और कैपिटल z डेल y अपॉन में डेल y ओके। अब इसका हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डेल टू साई अपॉन में डेल z टू और डेल टू y अपॉन में डेल y टू ओके। इस सिमिलरली हम किसका जेड वाले का करेंगे, तो कितना आ जाएगा डेल टू साई अपॉन में डेल जेड टू और एक्स कैपिटल वाई डेल टू जेड अपॉन में डेल जेड टू ओके। ये निकाल लिया, अब हम इसकी वैल्यू डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू डेल वाई टू अपॉन डेल टू साई अपॉन डेल वाई टू डेल टू साई अपॉन डेल जेड टू की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे ओके। तो पुट दी वैल्यू ऑफ डेल टू साई अपॉन में डेल एक्स टू डेल टू साई अपॉन में डेल वाई टू डेल टू साई अपॉन में डेल जेड टू एंड साई इन दी इक्वेशन फर्स्ट ओके। आप इनकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे, तो कितना आ जाएगा
कैपिटल वाई कैपिटल जेड डेल टू एक्स अपॉन में डेल एक्स टू प्लस एक्स जेड और डेल टू वाई अपॉन में डेल वाई टू प्लस एक्स इंटू कैपिटल वाई और डेल डेल टू जेड अपॉन में डेल जेड टू ओके प्लस टू एम अपॉन में एच कट स्क्वायर ई साई की वैल्यू कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड इक्वल जीरो ओके। अब आप इसको किससे डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड बाई कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड ओके। इससे आप डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ओके। तो कितना आ जाएगा बोथ साइड को हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा वाई जेड कैंसिल हो जाएगा तो वन अपॉन में कैपिटल एक्स डेल टू एक्स अपॉन में डेल एक्स टू प्लस वन अपॉन में वाई डेल टू वाई अपॉन में डेल वाई टू प्लस वन अपॉन में जेड डेल टू जेड अपॉन में डेल जेड टू। आप समझ रहे हैं ना, जो मैं कैपिटल जेड लिखूंगा और जो कैपिटल वाले हैं वो उसमें आप मैं सफेक्स में लिख देता हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जो स्मॉल वाले हैं वो मैं उसे केवल सिंगल लिखता हूँ, ये स्मॉल है और ये कैपिटल है ओके। आप इसको कन्फ्यूजन में ना रहें इसलिए मैंने आपको बता दिया ओके। मैं सफेक्स में लिखूँ तो आप समझ जाना ये कैपिटल है नहीं तो स्मॉल है ओके। प्लस टू एम अपॉन में एच कट स्क्वायर ई इक्वल जीरो। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्स वाई और जेड के टर्म में अलग अलग बनाना है, इसे हम तीन पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम एक साइड लेफ्ट साइड में एक्स वाले को कर लेंगे अदर्स और राइट साइड में एक्स और वाई और जेड वाले फंक्शन को कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा वन अपॉन एक्स डेल टू एक्स अपॉन में डेल एक्स टू इक्वल माइनस वन अपॉन में वाई डेल टू वाई अपॉन में डेल वाई टू माइनस वन अपॉन में जेड डेल टू जेड अपॉन में डेल जेड टू माइनस टू एम अपॉन में एच कट स्क्वायर ई ओके। अब आप इसमें ये देख रहे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है ये केवल एक्स का फंक्शन है ओके, फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स। ये केवल किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ वाई एंड जेड का। ये जेड और वाई का केवल फंक्शन है। ये केवल कब पॉसिबल हो सकता है, आप लेफ्ट हैंड साइड रिपीट कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड केवल एक्स का फंक्शन है वाई जेड का नहीं है। जो आप राइट हैंड साइड है ये केवल वाई और जेड का फंक्शन है एक्स का नहीं है। ये केवल कब पॉसिबल हो सकता है, जब हम इसे किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं। मान लो हमने इसे के वन कॉन्स्टेंट के इक्वल कर लिया, लेट के वन कॉन्स्टेंट के इक्वल कर लेंगे ओके। जो हम अभी ये कॉन्स्टेंट लेट करेंगे हम इस बाद में इनकी वैल्यू भी निकालेंगे ओके। तो हमने इसे के वन कॉन्स्टेंट के इक्वल कर दिया ओके। हम अलग अलग पार्ट को के वन के इक्वल कर देंगे तो कितना आ जाएगा वन अपॉन में एक्स डेल टू एक्स अपॉन में डेल एक्स टू इक्वल के वन ओके। हम इसे इक्वेशन थर्ड दे देंगे ओके। आप हमने लेफ्ट हैंड साइड को किया, राइट हैंड साइड को भी कर दो तो कितना आ जाएगा वन अपॉन में वाई डेल टू वाई अपॉन में डेल वाई टू माइनस वन अपॉन में जेड डेल टू जेड अपॉन में डेल जेड टू माइनस टू एम अपॉन में एच कट स्क्वायर ई इक्वल के वन ओके। हमने इधर तक आ गए, हमारा एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अलग हो गया एक्स के फॉर्म में। अब हमें वाई और जेड के फॉर्म में और करना है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में वाई वाला रहने देंगे, राइट हैंड साइड में जेड वाला फंक्शन ओके। तो कितना आ जाएगा वन अपॉन में वाई डेल टू वाई अपॉन में डेल वाई टू ओके इक्वल कितना आ जाएगा माइनस वन अपॉन में जेड डेल टू जेड अपॉन में डेल जेड टू ओके प्लस माइनस ओके माइनस का के वन हमारा इतना आ गया। आप ये देख रहे हमने इसको इस साइड पक्षांतर कर दिया, इसको इस साइड कर दिया ओके। प्रॉब्लम कोई नो प्रॉब्लम। तो आप इसमें ये देख रहे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है ये केवल किसका फंक्शन है, ये वाई का फंक्शन है
और जे केवल किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ स्मॉल जेड, ये स्मॉल जेड का फंक्शन है, ये स्मॉल वाई का फंक्शन है। ये रिपीट कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड केवल स्मॉल वाई का फंक्शन है, जेड का नहीं है। जो राइट हैंड साइड है वो केवल स्मॉल जेड का फंक्शन है, वाई का नहीं है। जे केवल कब सख्त हो सकता है, जब जे केवल एक ऐसे कॉन्स्टेंट के इक्वल होगा जो वाई और जेड का फंक्शन नहीं है। ओके, कहने को एक्स वाई जेड का फंक्शन नहीं है, हमने कॉन्स्टेंट कोई लेट कर लिया के टू, जो के टू है ये एक्स वाई जेड पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को के टू के इक्वल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वन अपॉन में वाई डेल टू वाई अपॉन में डेल वाई टू इक्वल के टू। ओके, हमें इसे इक्वेशन फोर दे दिया, एक हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स के फॉर्म में बन गया, एक वाई के फॉर्म में, अब जेड के फॉर्म में और बना लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को के टू के इक्वल कर दिया, राइट हैंड साइड को भी कर दें तो कितना आ जाएगा, वन माइनस का जेड डेल टू जेड अपॉन में डेल जेड टू माइनस का टू एम अपॉन में एच कट स्क्वायर के वन माइनस का के वन इक्वल के टू। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, वन माइनस का वन अपॉन में जेड डेल टू जेड अपॉन में डेल जेड टू इक्वल माइनस का के वन माइनस का के टू और माइनस का टू एम अपॉन में एच कट स्क्वायर। हमने जे साइड पक्षांतर कर दिया, जे साइड कर दिया। ओके, इस प्रकार से अब जी हमारा जो कि अब हम किसी इसे किसके इक्वल दे देंगे, किसी कांस्टेंट के इक्वल लेट कर लेंगे के थ्री, लेट कांस्टेंट के थ्री। ओके, हमने जो आपका लेफ्ट हैंड साइड जी जेड का फंक्शन है, ओके, तो हमने इसे के थ्री कॉन्स्टेंट के इक्वल दे दिया, इसलिए दे दिया क्योंकि जो हमारा हमने एक्स के फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन अलग कर लिया वाई के फॉर्म में, अब जेड के फॉर्म में भी कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, जेड डेल टू जेड अपॉन में डेल जेड टू इक्वल के थ्री। ओके, हम इसे इक्वेशन फाइव दे देंगे, तो आप जो हमारा इक्वेशन थर्ड है ये एक्स वाला पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और फोर वाला वाई और फाइव वाला जेड वाला है। ओके, जेड के टर्म में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड को के थ्री के इक्वल दे दिया, आप राइट हैंड साइड को भी के थ्री के इक्वल लिख दें तो माइनस का के वन माइनस का के टू माइनस टू एम अपॉन में एच कट स्क्वायर इक्वल के थ्री। ओके, तो आप इधर से आप ई भूल गए तो आप ई भी लिख लें। ओके, तो कितना आ जाएगा, माइनस का टू एम ई अपॉन में एच कट स्क्वायर इक्वल के वन प्लस के टू प्लस के थ्री। ओके, हम इसे इक्वेशन सिक्स दे दिया। अब जब हमने हिंट बताया था आपके, इस प्रकार से तीन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगे एक्स के टर्म में वाई के टर्म में जेड के टर्म में, तो आप किसी एक पार्ट को ले लेंगे उसको सॉल्व करेंगे, फिर सिमिलरली आप अन्य पार्ट को भी लिख देंगे। ओके, तो हम किसी एक इक्वेशन को ले लेंगे एक्स वाले पार्ट को, मतलब इक्वेशन थर्ड को। ओके, तो आप इक्वेशन थर्ड को क्या देख पा रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ओके, तो आपका इक्वेशन थर्ड कितना है, तो आप इस इक्वेशन को शब्दानुसार इस प्रकार से लिख सकते हैं, इक्वेशन छह को मैं बता रहा हूं, ई इक्वल ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। ओके, तो माइनस का टू एम अपॉन में एच कट स्क्वायर ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड प्लस के वन प्लस के टू प्लस के थ्री। ओके, तो आप इसे अपने शब्दानुसार बता रहा हूँ, फॉर कन्वीनियंस लेट जो के वन किसके इक्वल, माइनस का टू एम अपॉन में एच कट स्क्वायर ई एक्स, जो मैंने बताया था आप कांस्टेंट लेट कर रहे हैं, आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और एक उस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, और के टू की वैल्यू कितनी आप कंपेयर करेंगे तो माइनस का टू एम अपॉन में एच कट स्क्वायर ई एक्स, ये हम अपनी शब्दानुसार लेट कर रहे हैं। ओके, और के थ्री, इससे हमारा जो सॉल्यूशन है वो सिंपल हो जाएगा। ओके, ई जेड। अब हम किसी इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, कहाँ कहाँ पुट द वैल्यू ऑफ के वन के टू
एंड के थ्री एन इक्वेशन थ्री फोर एंड फाइव। किस में इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे के वन की वैल्यू, इक्वेशन फोर में के टू की वैल्यू, इक्वेशन थर्ड में के थ्री की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा। के थ्री इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो वन अपॉन में कैपिटल एक्स डेल टू एक्स अपॉन में डेल एक्स टू इक्वल माइनस का टू एम अपॉन में एच कट स्क्वायर ई एक्स। इधर हमने के वन की वैल्यू पुट कर दी, इसको आप सॉल्व कर लेंगे ओके, तो कितना आ जाएगा डेल टू एक्स अपॉन में डेल एक्स टू इक्वल प्लस टू एम एच कट स्क्वायर ई एक्स कैपिटल एक्स इक्वल जीरो ओके। हम इसे इक्वेशन सेवन दे दिया ओके। आप के टू की वैल्यू इक्वेशन फोर में पुट करेंगे तो वन अपॉन में वाई डेल टू कैपिटल वाई अपॉन में डेल वाई टू इक्वल माइनस टू एम अपॉन में एच कट स्क्वायर ई वाई। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा डेल टू वाई अपॉन में डेल वाई टू प्लस टू एम अपॉन में एच कट स्क्वायर ई वाई और कैपिटल वाई इक्वल जीरो। हम इसे इक्वेशन एट दे दिया ओके। तो अब हम के थ्री की वैल्यू इक्वेशन फाइव में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा डेल वन अपॉन में जेड डेल टू जेड अपॉन में डेल जेड टू इक्वल माइनस का टू एम अपॉन में एच कट स्क्वायर और ई जेड। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा डेल टू जेड अपॉन में डेल जेड टू प्लस टू एम अपॉन में एच कट स्क्वायर ई जेड और कैपिटल जेड ओके इक्वल जीरो। हम इसे इक्वेशन नाइन दे दिया। जब हमने शुरुआत में हम चर्चा कर रहे थे, जब हम हिंट आपके इस प्रकार से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तीन बनेंगे तो आपके बन गए हैं ओके। फिर आप किसी एक पार्ट को ले लेंगे, हमने इस पार्ट इसको सॉल्व करेंगे सिमिलरली सेकंड और थर्ड पार्ट का भी आप उसी प्रकार से सॉल्यूशन लिख देंगे ओके। तो हमने इक्वेशन किसको ले लेंगे एक्स वाले टर्म में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स के टर्म में है इक्वेशन सेवन को ले लेंगे ओके। तो नाउ अब फ्रॉम इक्वेशन सेवन ओके द डेल टू एक्स अपॉन में डेल एक्स टू प्लस टू एम अपॉन में एच कट स्क्वायर ई एक्स और कैपिटल एक्स इक्वल जीरो ओके। हम आप ये आपको दिख रहा है जब एक इस प्रकार का एक इक्वेशन होता है, आप सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक इस प्रकार से इक्वेशन होता है, आप इसी उसके कंपेयर कराएंगे ओके। दो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन इस टाइप का होता है डेल टू एक्स अपॉन में डेल एक्स टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल जीरो। आप इसकी इससे कंपेयर कराएंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल किया जाएगी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम ई एक्स अपॉन में एच कट स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट टू एम ई एक्स अपॉन में एच कट ओके। जब जो पार्शियल जो एस एच एम का इक्वेशन होता है ओके, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है कैपिटल एक्स का हम सॉल्यूशन निकालना है जो किसके टर्म है स्मॉल एक्स के टर्म है ओके। तो हम कोई कांस्टेंट ले लेंगे अपनी इच्छा अनुसार, आर्बिटरी कांस्टेंट होता है एन एक्स ले लिया साइन ओके ओमेगा एक्स माइनस एक्स नॉट। एन एक्स और एक्स नॉट जो आर्बिटरी कांस्टेंट है ओके, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा एन एक्स साइन ओमेगा की वैल्यू टू एम ई एक्स अपॉन में एच कट एक्स माइनस का एक्स नॉट ओके। तो जो आप इक्वेशन सेवन है इसका जनरल सॉल्यूशन कितना आएगा, इतना आएगा। हमने इस इक्वेशन की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन की तरह हमने इसे कंपेयर कराएंगे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली ओमेगा की वैल्यू। सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है कैपिटल एक्स का सेकंड डेरिवेटिव था, तो इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे किसके टर्म में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है स्मॉल एक्स के टर्म में, तो कितना होता है ए साइन ओमेगा एक्स ओके। तो
एक्स नॉट हमने लेट किया है, एन एक्स और एक्स नॉट जी के यहाँ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, हमने ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, तो इस प्रकार से हमारा जनरल इक्वेशन आ जाएगा। तो हम इक्वेशन सेवन का जो जनरल इक्वेशन क्या होगा, तो जनरल इक्वेशन मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया, तो जनरल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन सेवन, तो कैपिटल एक्स इक्वल एन एक्स साइन ओमेगा एक्स माइनस का एक्स नॉट, तो एक्स इक्वल एन एक्स साइन रूट टू एम ई एक्स अपॉन में एच कट एक्स माइनस का एक्स नॉट। ओके वेयर जो एन एक्स है और एक्स नॉट है ये कैसे आर्बिट्री कांस्टेंट है, वेयर एन एक्स और एक्स नॉट ये कैसे हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, अपने इच्छानुसार माने हुए जी अब नीतांक हैं। ओके हमने इक्वेशन सेवन का निकाल लिया, मैंने जब यह हिंट बता रहा था, तो आप इसी प्रकार से इक्वेशन एट का भी निकालेंगे सिमिलरली। ओके आप केवल लिख देंगे सिमिलरली इसी प्रकार से, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एट, समीकरण आठ का जनरल सॉल्यूशन कितना होगा, कैपिटल वाई एन वाई साइन टू एम ई वाई अपॉन में एच कट वाई माइनस का वाई नॉट, वेयर एन वाई और वाई नॉट क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट है। सिमिलरली इसी प्रकार से आप इक्वेशन नौ का भी जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, सिमिलरली जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नाइन। ओके तो इक्वेशन नाइन का जनरल सॉल्यूशन कितना निकल आएगा, कैपिटल जेड इक्वल एन जेड साइन रूट टू एम ई जेड अपॉन में एच कट जेड माइनस का जेड नॉट। ओके तो हमने इस प्रकार से इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया, तो हमने इन एक्स वाई जेड वैल्यू निकाल ली, जब हमने इन तीनों की वैल्यू निकाल ली थी हैंड बताया था, फिर आप आइगन फंक्शन आपका आ जाएगा फ्री पार्टिकल का, आप एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके हमने इसे इक्वेशन इसे हम पुट इसे इक्वेशन दे देंगे एक्स वाले को 10 इसे 11 इसे 12। ओके तो हमारा आ जाएगा आइगन फंक्शन 4 फ्री पार्टिकल मुक्त कण के लिए आइगन फलन। ओके तो आइगन फलन हम इक्वेशन 10, 11, 12 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ओके तो पुट दी वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड किस में रख देंगे, इन इक्वेशन 2। ओके तो इक्वेशन 2 क्या था, तो हमारा इक्वेशन 2 था साई जो वेव फंक्शन है, वेव किसका फंक्शन एक्स वाई जेड का, तो कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई इंटू कैपिटल जेड, हमने इनकी वैल्यू निकाल ली है, तो हम इसमें पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा साई एक्स वाई जेड, कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी आई थी आप इक्वेशन 10 में देखें, तो एन एक्स साइन टू एम ई एक्स अपॉन में एच कट एक्स माइनस का एक्स नॉट। ओके फिर आप कैपिटल वाई की वैल्यू देखें, तो आप इक्वेशन इसे 11 में देखें, तो एन वाई साइन टू एम ई वाई अपॉन में एच कट और वाई माइनस का वाई नॉट। ओके फिर आप इक्वेशन 12 में कैपिटल जेड की वैल्यू देखें, तो एन जेड साइन टू एम ई जेड अपॉन में एच कट जेड माइनस का जेड नॉट। ओके एन एक्स एन वाई एन जेड है ये कैपिटल एन के इक्वल नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, तो कैपिटल एन। ओके अब हम एक बार लिख दे रहे हैं एन एक्स एन वाई एन जेड। ओके और साइन टू एम ई एक्स अपॉन में एच कट एक्स माइनस का एक्स नॉट। ओके और साइन
इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे, जो एन एक्स एन वाई एन जेड है जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के इक्वल है कैपिटल एन। ओके, आप इसको लिख देंगे साइन तो हमने फ्री पार्टिकल के लिए आइगन फंक्शन सॉल्व कर लिया वेयर, जहां जो कैपिटल एन है ये क्या है एन एक्स इंटू एन वाई इंटू एन जेड, ये क्या है हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट पर सामान्यीकरण नीतांक। ओके, अब हम इसका जी तो हमने फ्री पार्टिकल के लिए आइगन फंक्शन निकाला, अब हम आइगन फंक्शन का जनरल फॉर्म निकालेंगे। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो निकल सॉल्व हो गया आइगन फंक्शन, अब हम आइगन फंक्शन का जनरल फॉर्म जे प्रूफ करेंगे, तो हमने जे प्रूफ तो इधर ही प्रूफ हो गया, फिलहाल हम कर देते हैं। ओके, तो जनरल फॉर्म ऑफ एक आइगन फंक्शन, ओके हम आइगन फलन का जनरल फॉर्म सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप जनरल ओके जनरल फॉर्म सॉल्व करने जा रहे हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, कितना होता है काल आश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन का जो हम निकालने जा रहे हैं आइगन फंक्शन का जनरल फॉर्म। ओके, जो वेव फंक्शन होता है वो किसका फंक्शन होता है पोजीशन और टाइम का, हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, जो वेव फंक्शन है पोजीशन का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल माइनस का आई ई टी अपॉन एच क्रॉस। ओके, ई क्या है कैपिटल एनर्जी है। ओके, हम इसकी वैल्यू निकाल ही चुके हैं, आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, जो आप इसमें देख रहे हैं इसको आप ज्यों का त्यों लिख देंगे तो कितना आ जाएगा साई एक्स वाई जेड कैप। ओके, आप इसकी वैल्यू आप ऊपर देख ही रहे हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे एक्सपोनेंशियल माइनस का ई टी अपॉन में एच कट। जी हमने क्या निकाल लिया टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो आइगन फंक्शन है उसका जनरल फॉर्म सॉल्व किया है। ओके, अब हम निकालेंगे एनर्जी की आइगन वैल्यू। ओके, तो आप आगे देखें, अब हम एनर्जी की आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो आइगन वैल्यू ऑफ द फ्री पार्टिकल, मुक्त कण के लिए जो आइगन वैल्यू है वो कितनी होगी। ओके, तो कैपिटल ई इक्वल ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। ओके, तो आप इक्वेशन सिक्स को देखिएगा, तो आप इक्वेशन सिक्स में सॉल्व किए थे टू एम अपॉन में एच कट स्क्वायर कैपिटल ई इक्वल के वन प्लस के टू प्लस के थ्री। ओके, तो इधर से आपकी कैपिटल ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन टू एम माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में टू एम के वन प्लस के टू प्लस के थ्री। ओके, हमने जो एनर्जी की आइगन वैल्यू सॉल्व की फ्री पार्टिकल के लिए, वह जो ई एक्स और ई वाई ई जेड हैं ये कैसे हैं पॉजिटिव हैं। ओके, पॉजिटिव क्यों हैं आप इसका भी रीजन जान लें, बहुत से स्टूडेंट इसका रीजन नहीं जान पाते। जो हमने आइगन आई फंक्शन सॉल्व किया था ओके फ्री पार्टिकल के लिए, जिसमें आप साइन फंक्शन देख रहे हैं, ओके जो रियल पार्टिकल के लिए, किसके लिए हम वास्तविक कणों की बात करें तो रियल पार्टिकल के लिए जो साइन फंक्शन होता है ना, साइन फंक्शन वो फाइनाइट होता है परिमित होता है और कंटिन्यूस सतत होता है। ओके, और सिंगल वैल्यूड एकल मानी होता है। ओके, सिंगल वैल्यूड ये कब होगा फ्री रियल पार्टिकल के लिए, जो मैंने बताया जो साइन फंक्शन होता है फाइनाइट कंटिन्यूस सिंगल वैल्यूड होता है, ये कब हो सकता है जब ई एक्स ई वाई ई जेड की वैल्यू कैसी हो पॉजिटिव हो। ओके, इसलिए हेंस इसलिए क्या होता है ई एक्स ई वाई ई जेड की वैल्यू कैसी होती है पॉजिटिव होती है। ओके, इस प्रकार से हमने इस डेरिवेशन को सॉल्व किया, उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके,
यदि आपको कहीं डाउट है तो आप एक बार वीडियो को पुनः जरूर देख लें, आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको टॉपिक चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा, हम उस पर टॉपिक अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, धन्यवाद।